हमारे दिल के करीब रहती है। हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम एंड यू आर वॉचिंग कैचन्स विद पूनम। आपके साथ एक ऐसी स्टोरी आज मैं शेयर करूंगी जो मेरे दादा से मैंने सुनी थी। मैं बहुत छोटी थी और इस स्टोरी ने मुझे आज तक मोटिवेट किया है। 2020 जितना बेकार गुजरा है, जितना हम सब ने झेला है, उस टाइम पीरियड में इस स्टोरी ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि आने वाला टाइम बहुत खूबसूरत है। तो जो कहानी मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी, आज वही आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरी तरह आप भी मोटिवेट होते रहें। स्टोरी में होता क्या है कि अकबर और बीरबल एक बार शिकार के लिए वन में जाते हैं। वहां पर अकबर का हाथ कट जाता है, जिसे देखकर बीरबल को हंसी आ जाती है। अब जब बीरबल को हंसी आती है तो अकबर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अकबर कहता है, तुम्हें इस तरह से हंसना नहीं चाहिए बीरबल। बीरबल कहता है, महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस पे अकबर का जो गुस्सा था वो और ज्यादा हाई हो जाता है। अकबर कहता है कि जाओ सैनिकों, इसे घर ले जाओ और पूरी रात इसको कोड़े मारो और सुबह को इसे फांसी पे टंगा देना। उसके बाद अकबर अकेला वन में शिकार के लिए चला जाता है। तो होता क्या है कि वहां जो आदिवासी होते हैं वो अकबर को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं और ले जाने के बाद उसे एक पेड़ पर उल्टा टांग देते हैं। उल्टा टांगने के बाद जब देखते हैं कि उसकी उंगली से खून बह रहा है, तो एक आदिवासी कहता है कि ये तो अपवित्र है, इसकी हम बलि नहीं दे सकते। तो अकबर वहां से छूटता है, हांफता हुआ दौड़ा जाता है और बस उसके मन में सारे रास्ते यही बात रहती है कि कहीं बीरबल को फांसी तो नहीं हो गई है। लेकिन जैसे ही वो वहां जाता है वो देखता बस फांसी लगने वाली थी। उसके बाद वो उसे फांसी से नीचे उतारता है और अब बीरबल से माफी मांगता है। माफी मांगने के बाद वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो बीरबल। बीरबल इस पर फिर कहता है आपता हुआ कि महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर फिर सोच में पड़ जाता है और कहता, अरे बीरबल तुम एकदम पागल हो, तुम अभी भी यही कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। तो बीरबल मुस्कुराता है और कहता है कि महाराज अगर आपके साथ में गया होता तो आपकी जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उनकी हर एक बात के पीछे कोई ना कोई वजह छुपी हुई होती है। 2020 जितना बेकार गया है, हो सकता है 2021 उतना ही खूबसूरत आए। आपका भी 2021 बहुत खूबसूरत आए। इसी विशेष के साथ हैप्पी न्यू ईयर।